अब खाऊ वाई वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो ब्रिज सिमेन्ट सोलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सोलिड सिमेन्ट हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शका में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनों नेपाल आपनों गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। मैं डॉक्टर योगी विकास आनंद, आज की पंक्तियां। कभी कभी यूं भी हमने दिल बहलाया है, कभी कभी यूं भी हमने दिल बहलाया है, जो बातें खुद नहीं समझे दूसरों को समझाया है। आप लोगों ने पहले भी मैं जानकारी करायो थो अपनों नेपाल के संयोजन में जो पशुपति में नित्य भोजन चल रहे है निशुल्क, वो 4 महीना पूरा हो चुका है और वह यात्रा निरंतर जारी है। आप सभी को सहयोग निरंतर मिलतो रहे है, लेकिन अगर सहयोग बीच में रुक जावे है तो वह सेवा भी शायद रुक जावेगी। इसलिए मैं आपसे फिर से अनुरोध करूँ हूँ, सभी भाई लोग दिल खोल के उमें सहयोग करो और जो खानो खाने बैठे आवे है, करीब 300 से 350 लोग हर रोज खानो खा रहा है, और जो पशुपति क्षेत्र में जो आपका जीवन शैली में कुछ परिवर्तन कहूँ या उन्हें सभ्य शब्द में तो जीवन शैली में आएडो उतार चढ़ाव कहाँ, या फिर जो भीख मांगने पर मजबूर है या कोई न कोई कारण से सड़क को जीवन जीने के लिए बाध्य है, भैया का लोग तो खावई है, उनके अलावा साधु संत तीर्थयात्री भी खावे हैं, और एम आप लोग जरूर से आगे बढ़ता रहोगा या आशा भी मैं लोग ले रख्या हाँ। अपने जीवन में वास्तु एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देवा है, या यूं कहूँ जो पूजा पाठ है वह इंसान को भाग्य तो आपकी जगह चाले ही है और भाग्य में जो लिखेड़ो है वो तो होनो ही है, लेकिन पूजा पाठ जो है वह विपरीत समय में इंसान ने धैर्य धारण करते हुए संयमित होकर के आगे बढ़ने की शक्ति देवा है। वहीं ही वास्तु भी एक विज्ञान है। अगर आप कोई भी घर में रवा हाँ, या अपनी कोई ऑफिस है या अपनी कोई फैक्ट्री है, बट है अगर वास्तु मिलेड़ो है, चाहे वो 100% न भी मिलेड़ो हो है, कुछ हद तक अगर मिलेड़ो है तो बट है जो शांति मन में रव है या व्यापार में जो वृद्धि रव है वह अतुलनीय रव है, लेकिन वही अगर वास्तु दोष है तो उमें कुछ न कुछ विघ्न बाधा आता ही रव है। आप लोग कभी कभी जरूर महसूस करया होगा जठे वास्तु मिलेड़ी जगह है उन घर में अगर प्रवेश करोगा तो आपके मन में शांति को अनुभूति होगी, और वही अगर वास्तु दोष है और कोई बड़ो दोष है तो बट जाता ही एक रकम की बेचैनी आवे है। आप लोग ध्यान दिया होगा पुराने पुराने जो मंदिर है जठे जागृत है भगवान बसे हैं, बट है जावा हाँ तो आपने एक अभूतपूर्व शांति को अनुभव हुआ है, उनको एक कारण वास्तु मिलने के कारण से भी है। पुराना जितना भी मंदिर बनेवड़ा है सब वास्तु मिलाकर के बनाया गया था, और आज भी वह कोशिश रव है कि वह सब मिलेड़ी ही अवस्था रवे। वास्तु में शंख, या आप लोग पूजा में तो शंख ध्वनि सुनता ही आया हो, वास्तु में भी शंख को एक महत्वपूर्ण स्थान है। यही विषय में बातचीत करने के लिए आज आपने कने वास्तुविद विमल झाझरिया जी है, जो आपने यही कार्यक्रम में कुछ समय पहले अन्य वास्तु विषय में बातचीत करने के लिए जरूर आया था। आज आप शंख को महत्व वास्तु में की है इनक बारे में उन्हें से जानने की कोशिश करांगा। आओ कार्यक्रम में विमल जी को स्वागत करा। कार्यक्रम में आपका स्वागत विमल जी।
नमस्कार, कैसे हैं दयाराम जी? बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास फिर आके और इस कार्यक्रम में शामिल होके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शंख में जो एनर्जी फ्लो करती है जी, वो कैसे आप बता सकते हैं कि एनर्जी ऐसे फ्लो होती है, उसका कुछ डेमो आप करके हमें बताइए। आप अपने सामने ये देख रहे हैं कि मैंने ये शंख रखे हुए हैं और ये चार विभिन्न रंगों के शंख हैं और साथ में ये एक मेरा एनर्जी सेंसर भी यहाँ रखा हुआ है। आपके मन में भी ये कौतूहल आ रहा होगा कि ये सब क्या रखा है, कैसे क्या दिखाएंगे, तो सबसे पहले मैं उस कौतूहल को दूर करते हुए इसकी जो ऊर्जा है, कैसे ये संचालित होती है और कैसे वातावरण को शुद्ध करती है और कैसे हम लोग इसको नापते हैं कि ये लगाने के बाद काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका एक थोड़ा सा छोटा सा प्रदर्शन करूंगा। जरूर करिए ना। देखिए, बैठने के पहले ही मैंने यहाँ पे दिशाएं देख ली थी और ये मैंने देखा कि ये पूरब दिशा है जो कि बिल्कुल बंद रखी हुई है। इसको एक बार, चूंकि सारे शंखों से ऊर्जा निकल रही है, मैं इसको एक बार बंद कर रहा हूँ। ठीक है। और बंद, मैं जो मेरा ये यंत्र है, इसको देखिए निकाला, इसको डाउजिंग रॉड कहते हैं। ये जैपनीज टेक्निक से बना है और ये ऊर्जा मापने के काम में आता है और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है शरीर में रेकी देने के लिए। रेकी के बारे में सब लोग जानते हैं, उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी इसका उपयोग हम ऊर्जा को मापने में करेंगे। अभी ये जो पूरब दिशा है, ये पूरी तरह से बंद है। जब बंद है तो इससे जो ऊर्जा हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। देखिएगा, जहाँ ऊर्जा में गड़बड़ी होती है वहाँ ये हिलता है। इसको देखिए, गौर से देखिए, मैं कोई हिलाता नहीं हूँ। प्रेयर मेरे मन के अंदर चलती है, ये हिल रहा है। अब आप इसको पूरब दिशा की तरफ इसी टेबल पर रख दीजिए, इस शंख को। शंख को, हाँ जी। देखिए, आपने रखा, ये अपने आप बंद हो गया, तत्काल ऊर्जा आनी चालू हो गई। एक बार हटाइए इसको, एक बार और दोहरा लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल जैसे कोई स्विच लगा हो, इस ढंग से ये बंद हो जाता है क्योंकि ऊर्जा प्रवाह तत्काल चालू होता है। एक बार आप इसको अपने हाथ में लेके देखिए, क्या कोई इसमें बटन लगा है? नहीं, ऐसा मैं कहीं कोई बटन दबाता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लकड़ी का बना हुआ है और कोई बटन नहीं, कुछ नहीं है। तो ये इसका, इस ढंग से हम लोग जहाँ पे भी इन यंत्रों को लगाते हैं वहाँ पे इसकी ऊर्जा को चेक कर लेते हैं। ये मैंने एक अपने सभी जानकार दर्शकों के लिए, जानकारी के लिए एक इसका प्रदर्शन किया। धन्यवाद। इससे बहुत सी बातें लोगों को समझ में आएगी कि ऊर्जा का परीक्षण कैसे किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अब हम अपनी बातों में आगे बढ़ते हैं जी। अब आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, शंख जो है कितने प्रकार के पाए जाते हैं समुद्र में और क्या सभी शंख पूजा योग्य या एनर्जी योग्य होते हैं या नहीं? 50,000 से लेके 2,00,000 प्रजातियां हैं शंखों की। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने गूगल में पढ़ा, सर्च किया और मैं बता रहा हूं। लेकिन उस 50,000 से 2,00,000 प्रजातियों के अंदर मुश्किल से 8 या 10 प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर ऐसी ऊर्जा होती है जिनको हम लोग पूजा के काम में ले सकते हैं। तो शंख के जो उपयोग है, जितना हम जानते हैं, पूजा में ध्वनि, शंख ध्वनि के लिए तो प्रयोग होता ही है या जल आचमन के लिए प्रयोग होता है, उसके अलावा इसके उपयोग क्या क्या है? आदिकाल का मतलब मैं रामायण युग, महाभारत युग, इनकी बात कर रहा हूं। एक बहुत खास
किस्म का जो विष्णु जी का शंख था या कृष्ण जी का शंख था, उसका नाम लगभग सभी लोग जानते होंगे, उसका नाम था पांचजन्य। पांचजन्य शंख। ऐसे ही जितने अच्छे शंख थे अच्छे लोगों के पास, धुरंधरों के पास, सभी शंखों के कोई ना कोई नाम थे, और उसको वो लोग युद्ध में, खुशी में बजाते थे, उद्घोष में बजाते थे, हर्षो उल्लास में बजाते थे। चलिए उससे उठ के हम अभी वर्तमान में आ जाते हैं कि वर्तमान में क्या उपयोग है। आज भी शंख की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है। इसकी जो ध्वनि होती है, इससे जो निकलने वाली तरंगे होती है, ये वातावरण को शुद्ध करती है। जो बजाता है उसको भी ये एक प्रकार का, ये उसके लिए प्राणायाम है। उसके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो मजबूत होते हैं और आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। पूजा में जो रखा जाता है, इसके जल का जो आचमन की आपने बात की, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, वैज्ञानिक आधार हैं। ये अपने आप जब इसके अंदर जल रखा जाता है, उस जल की जो कहना चाहिए कि शुद्धता है या उस जल की गुणवत्ता है, उसको ये अपने आप इन्हेंस करता है। जब इतनी सारी इसमें क्वालिटीज हैं, हर हम लोग अपने देवी देवता के हाथ में देखते हैं, बिल्कुल, तो कोई ना कोई पॉजिटिव वजह है जो हम लोग देखते हैं। आज जब भी शंख की कोई बात आती है, आपने ही शुरू की, हमारे जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, जैसे ही दयाराम जी ने शंख की बात शुरू की, तो आपके मन में क्या विचार आया? कोई पॉजिटिव विचार आया कि नेगेटिव आया? हर हालत में पॉजिटिव विचार आया। शंख की बात करते ही मन के अंदर पूजा पाठ का भाव आ जाता। अब ये आप अपने सामने देख रहे हैं, चार रंगों के अलग अलग शंख रखे हैं। ये रंग नेचुरल नहीं है। नेचुरल शंख सिर्फ एक है जो सफेद रंग का है। हमारे गुरु जी थे, बहुत महान हिमालयन योगी थे, हिमालय में उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी, उनका ये ज्ञान जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ये खुला हुआ था। कई बार उन्होंने अपना ये जटा के बीच से उस ब्रह्मरंध्र को हम लोगों को दिखाया, जहाँ पे हम महसूस कर सकते थे कि यहाँ पे पोलापन है। पूरी अपनी जिंदगी में उन्होंने गंगा जी का तट नहीं छोड़ा। ऐसे महान योगी जिनका कहना था कि संत की जरूरत क्या, दो रोटी एक लंगोटी, जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, वो जो प्रकृति से जुड़े हुए थे, वो कहते थे जब मैं मांगूंगा मेरी माँ मुझे दे देगी। आज हम लोग भी भागते हैं हर चीज के पीछे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारी माँ, धरती माँ, जब हम कुछ मांगेंगे तो हमको दे देगी, लेकिन विश्वास नहीं है हम लोगों को। ऐसे महान संत ने, जब मैं 1991 में उनके टच में आया, तब उन्होंने मेरी स्थिति, परिस्थिति, घर की स्थिति, हर चीज को देखते हुए मेरे को ये शंख विद्या दी। शंख के अंदर क्या क्या चीजें रख के और किस क्रम में रख के इसको एक महान और एक शक्तिशाली यंत्र कैसे बनाया जाए, ये विद्या दी। और पहला शंख 1992 में, 1992 में मेरे घर में लगाया। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी जी दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले इस हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, यी मध्ये कुन भाषा सबै भन्दा पुरानो हो? अप्सन ए नेपाली, अप्सन बी संस्कृत, अप्सन सी हिन्दी, अप्सन डी अंग्रेजी। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 34004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल P20 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को ग्यास गीजर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। अब खाऊ वाई वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट,
सोलिड टेक्नोलॉजी ले बन्छ सोलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं वास्तुविद बिमल झाझरिया जी से, आओ इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अब हमें ये बताइए, वास्तु में शंख का उपयोग क्यों और कैसे? अब ऐसा नहीं है गलती से दक्षिण खुल गया, गलती से पश्चिम खुल गया, ऐसा मौका है, ऐसे हालात हैं कि उत्तर हम खोल नहीं सकते, पूरब हम खोल नहीं सकते। बिल्कुल। तो अब ऊर्जा कहाँ से आए? ये उस प्रकार की बात आ गई कि जैसे हम कोई ऐसे कमरे में हैं जिसमें रोशनी आने का साधन कहीं से नहीं है। बगल में दूसरे का मकान, बगल में दूसरे का कमरा, इस तरफ किसी और का कमरा, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं एक तरीके से अंधेरे में। तो रोशनी नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे जी? आर्टिफिशियल रोशनी पैदा करेंगे। बस सही पकड़ लिया आपने दयाराम जी, ये वही आर्टिफिशियल रोशनी है। शंख क्या है? हर समय ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, यानी ऊर्जा फेंक रहा है, हर समय फेंक रहा है। अभी भी ये रखे हैं तो ये एनर्जी फैला रहे हैं। अब ये बताइए कैसे इसको स्थापित? ये देखिए, जो चार रंग हैं, ये सबसे पहले बेस कलर जो वाइट है, इसी ये नेचुरल कलर है, इसी में ही शंख मार्केट से हम लोग लेते हैं। जगन्नाथ जी पुरी जो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और समुद्र तट के नज़दीक भी है, तो वहाँ से हम लोग ये शंख मंगाते हैं। तो एक तो तीर्थ स्थल वैसे ही अपने आप में पावरफुल शंख हो गए, दूसरे ये एक विशेष प्रकार के शंख मंगाते हैं जिसको आप अगर गौर से देखें तो मैं नहीं बोलूंगा, आप बताइए कि इसको देख के आपको क्या आकार मालूम पड़ता है? एक तरीके से गणेश जी जैसे महसूस होता है। बस इसी ढंग से, इसी प्रकार से जिस जो दिशा हमारी रुकी हुई है उसकी दीवार पे हम लोग ये लगा देते हैं, फ्रेम करके लगा देते हैं या एम सील से चिपका देते हैं, तो इसका ये स्थिर हो जाता है और इसका ऊर्जा प्रवाह चालू हो जाता है। आपने अभी कहा फ्रेम करके लगा देंगे, फ्रेम करने के बाद तो वो एनर्जी शीशे के अंदर ही नहीं रह गई क्या? शीशा जो होता है वो ऊर्जा को नहीं रोकता। हम लोग चलिए एक ऐसे कमरे में चलते हैं जहाँ पे चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं, उत्तर की दिशा में भी खिड़की में शीशा लगा है, पूरब में भी लगा है, पश्चिम में भी लगा है, दक्षिण में भी लगा है। तो ऐसे में अगर कोई कहे कि नहीं जी उत्तर से नहीं आ रही है, तो आ रही है। शीशा सिर्फ हवा को, धूल को ये रोकने का काम करता है। तो उत्तर दिशा से अगर आ भी रही है तो उसी समय दक्षिण से जा भी रही है, तो शीशा कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करता। इसलिए आराम से फ्रेम करके उसके आगे शीशा लगा के, जिससे शंख भी गंदा नहीं हो, धूल गर्दा नहीं चढ़े उसके ऊपर, और रख रखाव उसका आसान हो जाए। अगर किसी के घर, ऑफिस या फैक्ट्री में वास्तु ठीक ना हो तो बिना तोड़फोड़ किए शंख उन कमियों को दूर कर सकता है? बिल्कुल। जैसा मैंने पहले आपको बताया, दर्शकों को बताया कि वास्तु दोष किसको कहते हैं, दिशा से, जिस दिशा से ऊर्जा आनी चाहिए यानी उत्तर और पूरब से, वो नहीं आ रही है, और जिस दिशा में रोकनी चाहिए यानी दक्षिण और पश्चिम, वहां हम नहीं रोक पा रहे, तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसके अलावा अगर कहीं मकान में कोना कटा है, फैक्ट्री में कोना कटा है, कमरे में कोना कटा है, तो उससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ये सारे प्रकार के वास्तु दोष, जमीन टेढ़ी मेढ़ी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े जब बिल्डर्स बनाते हैं तो जमीन आड़ी तिरछी मिलती है, तो उसके अंदर वास्तु दोष इस ढंग से उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वास्तु कहता है कि रेक्टेंगुलर टाइप की जमीन होनी चाहिए या स्क्वायरिश होनी चाहिए, बहुत लंबी भी अच्छी नहीं होती और बहुत कोई आड़ी तिरछी भी
अच्छी नहीं होती, तिकोनी नहीं अच्छी होती, गोल नहीं अच्छी होती, इस प्रकार के शेप अच्छे नहीं होते। तो अगर ऐसे हैं जिसके कारण से जो वांछित ऊर्जा है वो उत्पन्न नहीं हो पा रही, तो इन शंखों से उसको नियंत्रण किया जा सकता है। आपने जो हमें दिखाया, चार रंग हैं इन शंखों में, और जो शंख बेस कलर है वो सफ़ेद है जी। उसके अलावा जो कलर्स हैं, ये क्यों, ऐसा रंग क्यों किया हुआ है इसका? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैंने जैसे बताया कि बेस कलर जो है ये ओरिजिनल कलर है, शंख इसी दशा में हमको प्राप्त होता है, और इसके अंदर हम अपने गुरुजी के बताए तरीके से कुछ चांदी का सामान, कुछ नवरत्न वगैरह और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक क्रम से, एक सिलसिले से रखते हैं, और रखने के बाद इसको हम पीओपी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से पीछे से सील कर देते हैं, जिससे कि वो चीज़ बाहर ना आए। ये बेस यंत्र हो गया, और इसका रंग हमने जैसा था वैसा ही छोड़ दिया। अब इसके बाद हमने इसमें पावर बढ़ाई, अब हम कैसे पहचानेंगे? तो जब पावर बढ़ाई, इसको मान लीजिए एक 100 वाट का ये बल्ब हो गया, पावर बढ़ा के अगर हमने 200 वाट किया, तो उसको हम अपनी पहचान के लिए ऑरेंज कलर से पेंट कर देते हैं। इसी प्रकार से हमने अगर ये सिल्वर लिया, इसको 300 वाट जब हमने पावर की तो इसको सिल्वर कलर से कर दिया, और जब इसको और पावर बढ़ाई, यानी मान लीजिए 500 वाट किया, तो इसको हमने गोल्डन कलर से पेंट कर दिया। आपका कहने का मतलब अपनी पहचान के लिए किया हुआ है, अपनी पहचान के लिए। लेकिन ये जो कलर्स आपने दिए हैं, काला या नीला ऐसा क्यों नहीं? क्या बात है। देखिए, हर कलर वातावरण से रिएक्ट करता है, हर कलर की एक अपनी तासीर है। ये सब जो भी हम लोग करते हैं, हमने अपने गुरुजी इस दो मोर संन्यास समाधि ले चुके हैं, परंतु ध्यान की अवस्था में आज भी वो गाइड करते हैं, हमेशा करते हैं। जो भी क्रिया हम करते हैं उन्हीं के हिसाब से करते हैं। ऑरेंज कलर जो है ये ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उगता हुआ सूर्य। कौन सा रंग होता है जी उसका? बिल्कुल ऑरेंज ही होता है। तो सफेद रंग तो किसी भी दिशा में लगाया जा सकता है, उत्तर में या पूरब में, और जहां एनर्जी ब्लॉक करनी है वहां पे भी। लेकिन जब एनहेंस करनी है और पूरब छोटा कमरा है, तो पूरब दिशा में हम ये ऑरेंज कलर लगाते हैं, उगते सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से कमरे की साइज बहुत बड़ी अगर है, तब हम ये गोल्डन लगाते हैं, क्योंकि गोल्डन भी सोने का रंग जो है, सुनहरा रंग, ये भी सूर्य का प्रतीक है। अभी आप बातचीत कर रहा था वास्तुविद बिमल झाझरिया जी से, इना से हुईडी बातचीत ने समय अभाव के कारण से पूरी को नहीं दिखा पाया। अगले सप्ताह बाकी को इनको अंश दिखावांगा। इतनो कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनके विजेता को नाम और ई हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, यी मध्येको नामले भगवान कृष्णलाई सम्बोधन गरिदैन। अप्सन ए गिरधर, अप्सन बी लम्बोदर, अप्सन सी मुरलीधर र अप्सन डी दामोदर। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी लम्बोदर। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ 9807-3685-61, 9841-16036, 9823-5359, 9841-12-71, 9818-5853-83। बधाई छ विजेताले। आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजन को कार्यालय मध्यवानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नु होला। मोबाइल नम्बर 9849-8238-04 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, यी मध्ये कुन भाषा सबैभन्दा पुरानो हो? अप्सन ए नेपाली, अप्सन बी संस्कृत, अप्सन सी हिन्दी, अप्सन डी अङ्ग्रेजी। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 34004 मा एसएमएस गर्नुहोस्।
आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो, और ए कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 9849923804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो nepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो, और पुराना एपिसोड देखने के लिए YouTube में लॉग ऑन कर सको हो, और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। सुंदर सपना का फ्यूचर दे, अपनो पहिचान फैलाऊ दे, नया नया विचार को ल्याऊ दे उपहार। भाई सरस्वत बाप को जसले जाओ ससौरा, भाई सरस्वत बाप को जसले जाओ ससौरा। हमी सब को प्यारो अपनो नेपाल अपनो गौरव, अपनो नेपाल अपनो गौरव।